कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या बोल रहे थे हम? भक्ति भक्ति है, भक्ति सब में है, लेकिन भक्ति शब्द पढ़ते हैं कि वो जो अंदर से प्रवृत्ति है भगवान को प्रेम करना, उसको जागृत करने का पंथा है। तो वो एक सीट है हमारे अंदर जो है केस, उसको जगह जिस तरह आग दिखाई जाए उसको थोड़ा हवा दर्द आग जल जाए, तो ये भक्ति अनुकूल। तो वो क्या क्या चीज है? सबसे पहला बात है जिसका अंदर भक्ति है उनको संग करना। भक्त का संग किए बिना कभी कोई भक्त नहीं बन सकता। पहला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। सबसे भक्ति करने सबसे अच्छी बात है शुद्ध भक्त का संग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएशन। भक्त संग बिना भक्ति नहीं होती। आप जितने भक्ति कर रहे हैं किसी को भक्त को देखा सुना उसके बाद चालू हुआ, इस तरह नहीं सपनों में कुछ देखा उसके बाद भक्ति कर रहा है, इस तरह नहीं। प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद को देख के कोई इसको भक्त गया, सिक्कर का वही भक्त देख के उसके बाद इस तरह आप भक्ति कर आपको देख के दूसरा होगा। कोरोना वायरस की तरह इन्फेक्शस है एक से दूसरा जाते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति करने के लिए सब शक्तिशाली बुझते शुद्ध भक्त का शरण। और इस चरण रेणु शुद्ध अर्थ क्या? चरण धूलि अर्थ क्या है? चरण धूलि जिसका धूल जितना मूल्यवान है वो भक्तों का सेवा करना और कितना कुछ मिलेगा। इसीलिए भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम को एक लता के साथ तुलना दिया है। इसके साथ तुलना दिया इसके लिए उसका नाम भक्ति लता भी कहते हैं। तो एक लता कहां जाते हैं? बीच से आते हैं। बीच को पहले कौन सा आते हैं? बीच को अंकुरित होते हैं, पहले क्या आता है? तना आता है कि मूल आते हैं? मूल आते हैं। तो भक्ति का मूल है भक्त सेवा। मान लीजिए आपको किसी ने पौधा दिया है, इस तरह एक बीज दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मिट्टी में डालने डालकर पानी देने, फिर पौधा कब होगा? पौधा जो जड़ आ गया। तो भक्ति लता का पहले क्या था? जड़। वो जड़ कौन सा? भक्त का सेवा। अर्थात कोई ने किसी को भक्त का सेवा कर रहा है, इसको अर्थात भक्ति का लता का जड़ आगे अभी पौधा माने का फल फूल होगा। तो जब तक कोई भक्त की सेवा चालू किया नहीं तब तक उनको पौधा माने का चांस नहीं। यदि मन में हमारे भक्त का सेवा करने का भावना नहीं है तो अभी वो भी कोई काम का नहीं है, वह अंकुरित नहीं हो। भगवत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लता का मूल है भक्त का सेवा, ये भक्ति का परम सिद्धि है। दूसरा तिथि क्या है? माधव तिथि भक्ति जनन। माधव का तिथि क्या है? एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये भक्ति का जननी है। जननी अर्थात माता, माता अर्थात माता तो माता अर्थात जो जन्म देते, जो जन्म देते भक्ति को किसने जन्म देते हैं? इस तरह तिथि क्यों? हमने जन्माष्टमी दिन मंदिर गया देख के उसी दिन शुरू किया। कब से शुरू हुआ? जन्माष्टमी। राधाष्टमी मंदिर में इतना बढ़िया प्रसाद है उसी दिन से माला चालू कर दी, उसी दिन प्याज लहसुन घर से फेंक दिए। हाँ, एकादशी दिन वहां से क्या उसी दिन से चाय छोड़ दिया।
तो सबके साथ हम देखते हैं इस तरह तिथि बहुत शक्तिशाली होती है। तो एक भगवान की इस तरह तिथि है भक्ति का जननी। तो यदि हम बच्चा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, कोई आदमी बच्चा चाहता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लड़की का शादी करना चाहिए, माँ चाहिए ना। तो इसी तरह कोई यदि भक्ति चाहते हैं तो भक्ति का माँ को लाना चाहिए, कौन, इस तरह तिथि, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, यह माधव तिथि, भक्ति जननी। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह तिथि को जतनों के साथ पालन करो, जतने पालन करो, बहुत जतनों के साथ इस तरह तिथि का पालन करना चाहिए। कृष्ण वसुति, वसुति बोली परम आदरे बोली, और कृष्ण जहां पर जन्म लिया, जहां लीला विलास किया है, जहां रहते थे, वह है सर्वश्रेष्ठ जगह है, वो हमें जाना चाहिए, वो जगह का सेवा करना चाहिए। पानी तो मिट्टी चार जगह में है, लेकिन उसको बोरिंग वेल करके पानी मिलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन नदी के पार जाओगे तो ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा। भक्ति कोई भी जगह कर सकते, लेकिन भगवान का लीला स्थली धाम में जाने से बहुत आसानी से हो सकती। जिस तरह आप घर में कौन कौन चार बजे उठते हैं, आते दिन घर में कौन कौन चार बजे उठते हैं, उठते हैं चार बजे उठते हैं, लग वाह हमें कितना बड़ी काम कर दिया, नहीं लगता है, उठते जरूर लेकिन हम करते हैं हमें कितना बड़ा साधन है, कोई उठते नहीं, फिर हम उठते उठ रहा है लेकिन अंदर में हम करता है कितना बड़ा साधन, कोई नहीं उठा नहीं चार बजे माला जप कर रहा हूँ, जितना भी माला जप करेंगे हमें वही ध्यान आते हैं, मैं कितना बड़ा साधन हूँ, देखो मैं कितना सुमित माला जप कर रहा हूँ। लेकिन महापुरुष जब जाते हैं चार बजे उठने में लगते हैं, चार बजे उठ मंदिर में जगह दिया जा रही, बहुत आदमी मुझको पहले से जप कर रहा है, मैं कितना लड़की है। तो जब इसके भक्त संग धाम होते हैं ना, वो भक्ति करना बहुत आसान होता है, इसीलिए धाम में जाना व रहना वह जगह सेवा करना बहुत जरूरी है। कृष्ण वसुति, कृष्ण वसुति अर्थात कृष्ण जहाँ रहते हैं धाम, वह सर्वश्रेष्ठ जगह यह मानना चाहिए। और कौन कौन जगह घूमने जाना चाहिए, डिज्नीलैंड जा सकते हैं, डिज्नीलैंड जहाँ में इसका भी भक्ति चाहिए घूमने, एक मंदिर बनाया था 117 करोड़ जन हमारे में 2 साल था उधर में, डिज्नीलैंड से एक फ्लोरिडा। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए गौर अमार जिसब स्थान कौन भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरिबामी प्रणयी भगवत स्वामी। गौरंग महापुर जो जो जगह भ्रमण किया है हमें वो जगह जाना चाहिए, हमें इस तरह नहीं जगह नहीं जाना चाहिए जो बहुत जगह इंद्र तृप्ति करने के लिए, डिज्नीलैंड का, लास वेगास, अलग अलग जगह आदमी घूमने जाते हैं, नहीं हमें जाना चाहिए महापुरुष जो है जगह क्या गौरव अमर जिसम स्थान कौन लोग, और वो जगह में कैसे जाएंगे, भक्त के साथ, अकेला नहीं जाएंगे, अकेला जाके क्या देखेंगे, लोही बाजार में जाएंगे वृंदावन में, वाह क्या बिजनेस जम गया है, मैं सिकुर में क्या कर रही है, लेता था कितना अच्छा होता था, महापुर जाएंगे अरे कितना जल्दी जल्दी विदेशी लोगों ने फारिश किया है, ये जमीन खरीद करके जो मल्टी बना था पिछले साल आगे एक मकान नहीं था, एक साल में कितना मल्टी बन गया, नया जमीन लेना था कितना अच्छा था, तो अकेला अकेला जाएंगे उस तरह प्लान करेंगे। हाँ तो इसीलिए हमें जाना चाहिए भक्त शाह, भक्तों का दृष्टि में देखना चाहिए, भक्तों के साथ जाएंगे बोले अरे ये जगह में एक रूपा बैठ के जप करते थे, तुरंत हुआ ये जगह के नीचे बैठ के चैतन्य महाप्रभु
ये पेड़ का ये तेतुल वृक्ष इमली तला है, ये इमली तला में चैतन्य महाप्रभु बैठ के जप करते थे। तो कैसे लगे, तुरंत वो पेड़ को प्रणाम करके धन्यवाद लगाएंगे। इसीलिए भक्तों को साथ घूमना चाहिए, अकेला अकेला जगह जाके इस तरह ज्यादा करना नहीं है, केवल भक्त के साथ जाने से मुक्ति होते है। गौर अमान जैसव स्थान कर लो भ्रमण रंगी, महाप्रभु हर जगह में रंग शब्द था किया, रंग अर्थात रंगमंच सुना, रंग रंगमंच क्या इसको रंग रंग आनंद करते रंगमंच आनंद करने के जगह। तो महापुर भ्रमण रंग महापुर जा जाते थे, नाचते थे, गाते थे, आनंद के साथ घूमते। तो आनंद के साथ जो जो जगह दर्शन किया हमें वो जगह मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जा। हमें हमेशा देखना चाहिए कब मृदंग को वाद्य सुनेंगे, कि मृदंग को वाद्य सदा क्या होता है, भगवान का गुरु कितना है। जब मृदंग बाज रहा है इसका अर्थ क्या है, मृदंग बाज रहा है इसका अर्थ क्या है, भगवान कितना है। तो जब मृदंग का शब्द सुन रहा है जरूर उधर भगवान कितने चलो जाइए इस तरह ही लगता है। जब भी मृदंग का तरह शब्द हो रहा है उधर वहां से भगवान कितने चलो जाए। हम गांव में था, बंगाल के गांव में कोई जगह महोत्सव हो रहा है, कैसे पता चल गया कहाँ है गांव में, बोले ये रास्ते में जाओ वो जगह जैसे कुत्ते घे घू कर रहे थे, मतलब वहाँ वो खाना पीना हो रहा है रास्ते पता चलेगा। तो ये जब मृदंग बाज रहा है, मृदंग बाज जरूर भगवान के कीर्तन है, मृदंग का शब्द सुन के कृष्ण का ही था, कृष्ण का लीला कीर्तन चलो उधर में जाना चाहिए अवश्य सदा। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद भी दे, और महाप्रभु के बारे में कोई कीर्तन जो होता है सुन के हृदय नाचते, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है, राधा कृष्ण विग्रह देखिए कितना आनंद होता है। हम कहते हैं हमारा क्या आनंद है, सिनेमा देखो खाना पीना भूल जाते हैं, क्या चीज है हम जुगल मूर्ति में उतना आनंद आज तक देखा, लेकिन सिनेमा का तो आनंद खाना पीना भूल जाते हैं, तो पता है टीवी सीरियल रोज रविवार पता नहीं अभी कौन सा होता है मन रोज रविवार रात 6 बजे इस तरह एक टीवी सीरियल होते है। सारा सब कुछ भूलकर उसी टाइम टीवी क्षण बैठ जाते हैं, क्या परम आनंद है। लेकिन हमारे आनंद कहाँ होना चाहिए, राधा कृष्ण का विग्रह देखकर, जुगल मूर्ति देखिए मोर परम आनंद है, प्रसाद सेवन करते हैं सकल को फल, और भगवान को प्रसाद खा के सारी इंद्रिय जाए, भगवान को प्रसाद खाने के बाद और दूसरा कुछ इंद्रियों से काम करने की इच्छा नहीं होती। महाप्रसाद खाने के बाद बाहर में होटल में जब फुसका खाने का इच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा, प्रसाद देते हैं। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाव, यदि घर में कीर्तन होता है तो घर को क्या समझना चाहिए, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में क्या होता है, कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता है गोलोक वृंदावन में, शिव के इलेक्ट्रिक शो है शोरूम है मतलब गोलोक वृंदावन में पता नहीं हो भी सकते उधर में क्या है, एक चीज तो है हमेशा कीर्तन चलता है गोलोक वृंदावन में। जो बड़ा उत्सव क्या है, कीर्तन भगवान का महिमा कीर्तन, हमेशा हर जगह भगवान का महिमा कीर्तन। तो
किसी भी घर में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? गोलोक वृंदावन है। घर और मंदिर का तो फर्क क्या है? आपके घर में जो कुछ है मंदिर में वही समय है। आपके घर में गाड़ी है मंदिर में गाड़ी है, घर में बिल्डिंग है मंदिर में बिल्डिंग है, आपको घर में भी एक मूर्ति है लगा दी भगवान मंदिर में मूर्ति है, तो घर और मंदिर का तो फर्क क्या है? घर और मंदिर फर्क क्या है? घर को घर बोलता है मंदिर को मंदिर बोलता है, घर को मंदिर मंदिर के घर को नहीं बोलते, क्योंकि घर का मालिक आप है, मंदिर का मालिक कृष्ण जी का फर्क है। लेकिन आपका घर का मालिक यदि सोचे कृष्ण को नहीं दी है तो आपका घर भी मंदिर है। फर्क इतना है हम हमारे घर का मालिक हम बनाए कृष्ण नहीं है इसलिए घर है। लेकिन जिस दिन सोचेंगे ये घर मेरा नहीं है, ये घर क्या कृष्ण का राधा कृष्ण को नहीं दी है, उसी दिन जो घर मंदिर है। तो जो घर में कृष्ण लीला होता है, किसी को किसी को घर में जाएंगे खुद का पति पत्नी बच्चा का फोटो से लगा है घर, वो मंदिर किसका है? उनका मंदिर है। लेकिन भक्तों के घर में भगवान का फोटो है, ये घर किसका है? राधा कृष्ण। घर में बहुत ही जगत का आदमी घर में क्या खुद का महिमा है, हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया, भगवान का भक्त घर में भगवान का मजा है। इसीलिए किसी के घर में जब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो समझना चाहिए घर नहीं हुआ है मंदिर। ये दिन गृह थे भजन ने देखी गृह थे गोलोक भाव, घर में कीर्तन होना आता है घर गोलोक जाओ। चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सिंह पा, चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सिंह पा, गंगा जल देखने से बहुत आनंद होना चाहिए। क्यों? आपको यदि अभी 1 किलो सोना देगा कैसे लगा? 1 किलो सोना देंगे अगले सबके एक एक गिलास सोना का गिलास देंगे, गिलास देंगे आज आया ये निरंजन को घर पे सबको सोना का प्लेट और सोना का गिलास भी खिलाएंगे और उसके बाद प्लेट गिलास उनका है, कैसे लगे शंकर? रोज क्रिस्त फेस्टिवल नहीं करते सुनकर कितना आनंद लग रहा है कि यार परम आनंद आ रहा है। क्यों क्यों ईश्वर कितना आनंद क्यों लग रहा है? मैं बोलने से सब हंस रहा है पर इस तरह दिल को भी आ सकते हैं सुनने क्यों अच्छा लगता है? सोने का मूल्य जानते हैं क्योंकि हम पहले सोने का मूल्य जानते हैं, सोना मिलना इतना आसान नहीं है, इस तरह होना बिल्कुल असंभव है। सोना का प्लेट ग्लास मिलना तो मुश्किल है, हमें आँख में देख भी नहीं सकते फिर मिल रहा है, ये असंभव है। अतः सुने ये बात सुनने के पहले हमें उनका मूल्य जानते हैं और हमें बहुत रात में सपनों भी कभी कभी देखा है सोना का पहाड़ जैसे सोना मिलता था, पहले से हमारे थोड़ा आसक्ति है, इसीलिए मिलने से वाह इसका अर्थ क्या है? पहले जो हुआ इच्छा था। तो जब ये बताते हैं गंगा जल देख के बहुत आनंद होते हैं, क्यों क्यों आनंद होते हैं? क्योंकि गंगा का जल देख के तुरंत ये होने वाली ये जल भगवान का चरण धो के रहा है, ये चरणामृत है, वाह क्या भाग्यशाली भगवान का चरण धोना जल मेरा सोना आ गया। हम सोना मैं अभी जो बोल रहा हूँ तब हंसी नहीं आ रहा है, सोना का बात बोल तब कितना आनंद आया था चरण धोना जल के बारे में पता किसी को हंसी नहीं आ रहा है, सोना के बारे में पता तो कितना आनंद आ रहा था। तो हमें पता है जो हमें कुछ अच्छा लगा है भगवान का चरण भी देता मुझे मन नहीं देता गंगा का जल देख के इतना आनंद हो रहा है, भगवान को चरण का जल हमारे सामने आ गया, हम कितना चरण सीधे देखिए गंगा सुख ना सुना पाए,
हमें सुख का सीमा असीम है, कोई अनलिमिटेड सीमा। वाह हम कितना भाग्यशाली है, भगवान का चरण धो धो कर जल मेरा सामने आ गया। लेकिन हमें कितना आदमी को इस तरह हमें आते हैं नहीं है। इसका तो हमें पहले से उसको भक्ति करने की हमें आसक्ति नहीं। तुलसी देखिए जुड़ाए प्राण, तुलसी देखिए जुड़ाए प्राण। क्यों? एक तुलसी का पौधा देख के प्राण जुड़ा। आपको घर में एक बैंगन का पेड़ है और अब मान लीजिए आपको घर में बैंगन का पेड़ है और 20-25 तो बड़ा बड़े एक एक 2 किलो बैंगन लग गया। अब कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? हाँ फट उठा के रखेंगे नहीं, दूसरा को भेजेगा नहीं, और घर में रिश्तेदार आ गया देखो हमारे कितना और बैंगन है, एक एक 20-20 बैंगन है, एक एक 2-2 किलो है, फट उठा के सबको दिखाएंगे। लेकिन तुलसी पौधा किस तरह करेंगे, तुलसी पौधा को फट उठा के किसे दिखाएंगे? देखो हमारे घर में कितना तुलसी पौधा है, 10 फीट पर रख दिया, दिखाएंगे नहीं। हमारे तुलसी पौधे से बैंगन पौधा ज्यादा अच्छा लगता है, ये हमारी भक्ति है। लेकिन तुलसी वृक्ष को देखे ज्यादा आनंद होना चाहिए। क्यों भाई? बेगुण, बेसत तो क्या है, बे अर्थ क्या, बेअसत क्या, बुरा नहीं, जिस तरह बेहया, बेहया जिसके शर्मिंदा नहीं उसको बेहया गुण नहीं, तो बेअत नहीं जिसको गुण ही नहीं उसका नाम बेगुण है। फिर भी वो बेगुण का देखे हमको आनंद है, क्योंकि हमें पेट भरेगा, पेट में खाना इतना पसंद होता है। हाँ वो बैंगन देख के लग रहा है भाई इतना बड़ा बैंगन है, इसको भाजी करेंगे, कितने आदमी को खिलाएंगे और बॉटल के बनाएंगे तो वाह माखन को हरा देंगे, कितने प्लान कर उसको लेकर। लेकिन साधु का क्या होता है, तुलसी पौधे देख के लग रहे तुलसी पौधा है, कृष्ण का कितना प्रिय है, कृष्ण इनको सेवा सुनते दूसरा सेवा लेते ही नहीं, कितना भाग्यशाली है हमारे घर तुलसी पौधा आ गया है। ठीक है चलो भगवान को भोग लगाते हैं, अभी भगवान के चरण में हरे शुभ दस के भगवान के चरण तुलसी दिया नहीं, चलो एक तुलसी देते हैं। इस तरह ये आते हैं नहीं आते, हम बैंगन के ज्यादा ये आते हैं, हमारे ये भक्ति है। लेकिन क्या होना चाहिए, तुलसी देखिए जुड़ाए प्राण, माधव तो सुनी जानी, माधव तो सुनी कृष्ण का बहुत प्रिय है। एक बार इंद्र ने बहुत गलती किया कृष्ण के चरण में, पता है कि क्या क्या था, इंद्र ने बहुत बार गलती किया कृष्ण के चरण में, कौन सा पता है किसी को? हाँ जिसके लिए गिरी गोवर्धन उठाना पड़ गया कृष्ण को, कितना बार इंद्र गलती किया था, इसीलिए उसके बाद गिरी को उठाने के बाद इंद्र को पता चला का मैं कितना गलती किया, अभी क्या करेंगे, भाग के जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, सारा दुनिया कृष्ण का है, अभी कृष्ण के पास माफी मांगना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भाग के जगह कोई जगह ही नहीं है, एक ही रास्ता है माफी मांगना। अभी जाएगा कैसे, जितना बार गलती किया जा सकते है, इंद्र अभी कृष्ण के पास माफी मांग सकते है, क्या करना, अभी मांगना भी चाहिए, जाने की हिम्मत भी नहीं, इसलिए किया क्या, उनको पता है कृष्ण का गाय बहुत प्रिय है, इसलिए सुरभि गाय को लेकर सामने रखकर पीछे पूछ पकड़ करके करके गया है। सुरभि गाय को पीछे पीछे गया कि गाय ने कृष्ण को खोला ठंडा हो जाएगा। इस तरह हम जो कॉलेज में पढ़ता था तो कुछ कुछ लड़का दिन एक महीना छुट्टी के बाद जब आते हैं, कुछ कुछ लड़का बहुत लेट पे आते हैं, तो क्लास में सबको सामने में
टीचर अपमान करे आए इतना दिन क्लास शुरू होकर 7 दिन कहाँ थे सब किसी अपमान कर कितना तो वो लड़का क्या करते हैं आके कॉलेज में नहीं है क्या टीचर के घर पे चले जाते कुछ गिफ्ट लेकर वह जो बोलेगा उसके सामने बोल दो पर बोल दे अगर मामी की तबीयत खराब और किया और कोई गिफ्ट तो जो बोलना वह बोले दे बहुत ध्यान दिख रही है हमें कोई 2 दिन बाद एक पार्टी हमारे क्लास में तो 2 दिन बाद में आया वो टीचर ने कहा 2 दिन क्यों नहीं आया लेकिन एक लड़का 7 दिन बाद नहीं बाद आया टीचर कुछ नहीं बोलते उनका हमें किया भाई ये क्या किया टीचर बस कर देगा हम पांच में पता चला वो आके पहले रात को गुरु सर का घर में चल गया ठंडा कर गया पहले से तो यहाँ हमें जानते हैं कृष्ण का सबसे प्रिय किया है तुलसी पौधा तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तो शुरू क्या तुलसी कृष्ण का बहुत प्रिय है इसलिए तुलसी देख के हमें आनंद होना चाहिए वाह एक एक पुस्तक मिल गया है जो कृष्ण को खुश कर सकते गौण प्रिय साक्ष्य बने जीवन सार्थक कुमारी इधर में तो शाक नहीं मिलते हैं शाक बहुत कीमत है ना शाक बंगाल में शाक फ्री मिलते हैं आजकल बाजार में मिलते हैं भक्तिवेन ठाकुर जब लिखा है तो शाक को बाजार में कोई नहीं मिलता बंगाल में इतना पानी है रास्ता में जाओ कोई उठा के खाना वाला सब्जी बनाते हैं शाक वाता मिस्तर जी उसको बोना नहीं पड़ते जंगल में हम ही बचपन में जाता जंगल में जाओ उठा के लेके सब्जी बना दो अभी 12 होने के बाद जिस तरह कुछ दिन पहले हमें पता नहीं था पानी खरीद करके पीना पड़ेगा हमको कंपनी भी नहीं किया अभी और 2 दिन में हवा भी खरीद करके लेना पड़ने लग रहा है तो उसी तरह शाक अर्थात इस तरह एक वस्तु है जो भी गरीब आदमी का खाना है बाजार से लेना जमीन जमीन में जाओ जंगल में जाओ खा सकते शाक अभी किसी को घर में दिया है उस तरह चीज देगा तो आपको कैसे लगे भाई हम इतना नालायक आदमी क्या है ये शाक ही ला रहा है बगल में अभी भी कुछ इस तरह नया दामन नया है उसको मुर्गा नहीं खिलाएंगे इंग्लिश पास नहीं खिलाएंगे ना तो आगे तेरा दामन नहीं आएगा मैं हमको अपमान के मुर्गा खिलाएंगे इंग्लिश पास खिलाएंगे हमको अपमान कर दिया है तो अंतर बहुत कीमती वस्तु थे एक समान का तो अच्छा है और इस तरह चीज खिले है उसको भाव नहीं है तो आपको क्या अपमान नहीं लगेगा तो किसी को घर में किया उस तरह चीज खिले है बाजार में हमेशा मिलते हैं फिर मिलते हैं उसमें चीजें शाह तो किसी को और स्वाभाविक तरीका सबसे गरीब आदमी कम शाह खाते हैं क्योंकि पैसा नहीं खरीद करने का गरीब आदमी का 2 चीज खरीद करता बाजार से एक केरोसिन तेल एक नमक ये 2 चीज घर में नहीं बना पाते बाकी चीज जंगल में सब मिल जाते हैं 2 चीज केवल बाजार से खरीद करते हैं एक है केरोसिन तेल वो लाइट जल शाम को तरह लाइट जल होता वो भी 100 ml होगा तो 1 महीने चले जाएगा रात में सोने के लिए कबल रात में कोई नींद खुलेगा तो जलाने के लिए कबल गरीब आदमी का थोड़ा वो 7 दिन 1 दिन हाट लगता है वो 100 ml की 25 ml लेके रहा लेकिन तो 7 दिन चल जाएगा और नमक थोड़ा खरीद करना पड़ेगा बाकी चीज मिल जाती है तो इसी तरह गरीब आदमी का सबसे खाना है शाक तो जो आदमी शाक खाते हैं तो कोई सोचना पड़ेगा अभी कोई जगह चले गए आपका शाक खिला रहे आपको क्या लगेगा अरे हम कितना अपमान कर दिया आपको शाक खिलाया लेकिन ये बताते हैं शाक देख के खुश होना चाहिए अरे महाप्रभु के सबसे प्रिय है महाप्रभु ने हम जो इधर से सुना है महाप्रभु सबसे प्रिय है शाक मेरा क्या सौभाग्य है आज वो चीज मिल गया जो महाप्रभु का प्रिय है इस तरह गौर प्रिय साक्ष सेवने जीवन सार्थक
जिस तरह मानो आज यहाँ निरंजन को फीस दिया सब खाना खिलाया, खाना खिलाने के घर में जाने के वाले तुम्हारा नाम क्या है? अभिजीत। तुम्हारा नाम? हाँ नितय। अभिजीत बोला अच्छा तुम्हें आइसक्रीम मिला? बोल नहीं क्यों मिला? नहीं आइसक्रीम। अरे दे तुमको, अरे सबने खाया है आइसक्रीम, तीन तीन चार चार आइसक्रीम खाया है, तुमको नहीं मिला? खाना ही बेकार हो गया, आइसक्रीम मिला नहीं तो खाना ही बेकार है। तो जब आइसक्रीम मिला नहीं खाना खाया, आइसक्रीम मिला। तो उस तरह यदि कोई किसी घर में गया अच्छा नहीं खिलाते हैं, कितना कितना बुरा लगता है, आपको क्या खिला? लेकिन जब साथ मिल गया, अरे इस तरह चीज मिला है जो महापुरुष का प्रिय है, हमको आज वो चीज मिला है, कितना आनंद होना चाहिए। मैं कहता भाग्यशाली हूँ कि चैतन्य महापुरुष का प्रिय साथ मिल गया, उसको गौर प्रिय साथ से बने जीवन सार्थक हुआ। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहा प्रति दिवस परम सुखे शिकार करे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हमें यदि भक्ति करना चाहते हैं तो केवल वो चीज देखना चाहिए हमारे भक्ति करने को अनुकूल क्या है। जो चीज अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए। शाक हाँ ये बाजार में फ्री मिला क्या, जमीन में फ्री मिला, वो चीज नहीं देखना है। ये चीज देखो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है। तो जो चीज हमें भक्ति करने के लिए अनुकूल है उसका ग्रहण करना चाहिए। भक्ति करना कोई कठिन चीज नहीं। भक्ति शब्द अर्थ क्या है? भगवान का प्रेम करना, पिता माता के साथ प्रेम करना, ये कठिन काम है? पिता को पिता बोलना, माँ को माँ बोलना, तो आप कुछ बस उसी तरह भगवान के साथ प्रेम करना और अनुकूल चीज के साथ आएंगे। जो प्रतिकूल है वो त्याग करना चाहिए। जो चीज प्रतिकूल है उसको त्याग करना चाहिए। हमें प्रतिकूल क्या है? चार पाप करना है, चाय पीली, बीड़ी सिगरेट, तमक, पान बीड़ी, गुटखा, ये चीज क्या प्रतिकूल है, इसे छोड़ना चाहिए। मस मछली अमीश प्रतिकूल है, इसको छोड़ना चाहिए। जुआ करना वो प्रतिकूल है, अवैध संपर्क करना प्रतिकूल है। इसे जो जो चीज प्रतिकूल है वह त्याग करना। अनुकूल क्या है? कौन कौन सुनवाला करते हैं? सुनवाला कभी नहीं करते। आप देखो आपके लिए अनुकूल क्या है? शुभ शुभ उठना, कोई दिन सुबह 7 बजे उठती है, 7 बजे उठने के लिए कब सोलो बालस खत्म करेंगे? 7 बजे तो उठे हैं, 8 बजे दुकान में जाना पड़ेगा, फिर उठते 9 बजे, तो फिर 2 घंटा मेरा बस कहाँ है सोलो माला करने? सारा दिन टेंशन है, सोलो माला करते बहुत देर रात 12 बज जाएगा। आधा घंटा लेट उठने में मतलब टेंशन आधा घंटा उठ लेट अभी के चार दस करूंगा रोज रोज सोलो माला खत्म करने टाइट शेड्यूल। शुरू में खत्म करने पर काम में जाता हूँ। आज आधा घंटा लेट में उठा मैं तो आते आते रात 10 बज जाएगा, उसके बाद 4 बजे करूंगा काम। कभी कभी 1 बार सोच तो भी टेंशन होता है। इसीलिए जो शोलमाला करते हैं उन्होंने यदि सुबह सुबह नहीं उठेगा उनके शोलमाला करना बहुत कठिन है। तो शोलमाला करने का अनुकूल किया है जल्दी सोने, जल्दी सोने के लिए अनुकूल किया है जल्दी उठना, जल्दी उठने के लिए अनुकूल किया है जल्दी सोना, जल्दी सोने के लिए अनुकूल किया है रात में मोबाइल नहीं देखना। बस रात में अगर मोबाइल खोल दिया सोने को 9 बजे खोल दिया, एक चीज आ गया देखते देखते, ओ बच्चे मानो प्रधानमंत्री ने जयराम करके खाली देश तो कुछ देख ले, देखते देखते रहो, देखते रहो, देखते देखते 12 बज गए। एक के बाद एक वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो आने चालू कर दिया। आधा घंटा पढ़ते लगे, आधा घंटा पढ़ लिया,
वीडियो देख के तीन घंटा में चलेंगे पता ही नहीं तीन घंटा आएंगे क्या, इतना मजा का चीज है। तो ये सब है प्रतिकूल, हाँ ये मोबाइल यूज करना खास करके रात में मोबाइल में वीडियो देखना और फालतू व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में क्या पता है कोई ने एक व्हाट्सएप भेज दिया 10 मिनट में वीडियो देखा, देखने मजा लगा लगने के बाद फालतू 10 मिनट ठीक है मेरा रिश्ता 10 मिनट में सबको नष्ट कर दूंगा, वो सबको हम पर अटकाना चालू किया सबको जीवन से 10 मिनट नष्ट कर दूंगा। ये है प्रतिकूल, अभी सबको मोबाइल है प्रतिकूल आग पर नीच चुका है प्रतिकूल, तो जो जो प्रतिकूल है भक्ति करने के लिए छोड़ना चाहिए। और अनुकूल क्या है भक्त संग, प्रतिकूल क्या है अभक्त संग, भक्त संग क्या है जो आग जल रहा है थोड़ा थोड़ा आग जल, भक्त संग हवा है और अभक्त संग क्या है उसके पानी जल रहा है, भक्त संग में उच्च अभक्त रे तुम तो बहुत बड़ा शब्द है, 5 बजे उठना पड़ेगा तुमको, हम तो 7 बजे उठते हैं, 5 दिन में उठ के क्या करते हैं, जिससे शुद्धि शुद्धि लगे ठीक है आधा घंटा एक कर पाए, तो जो 5 बजे उठा था और जो भक्त संग है आप कितने बजे उठा, ना मैं तो रोज 2:30 उठता हूँ, तो वो जब 5 बजे उठता था उसका हवा लग गया था, जो कल 6:30 उठते थे हवा लग गया, आज अभक्त मैंने 5 बजे इतना जल्दी उठना क्या जल्दी, पता है चाइना में फिर कोरोना आ रहा है ठंड का दिन है अभी इतना रिस्क नहीं करना चाहिए, शुभ इतने सारे भक्ति होता है लेकिन मिनट बहुत भगवान का भक्ति है प्रेम करना उसके शुभ उठने का क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह बहुत कुछ समझाएगा इसलिए जो उत्सव हुआ पानी डाल दिया, ये अभक्त संग है प्रतिकूल है। शिव प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना डॉक्टर ने कहा आजकल ये इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम विटामिन एंटीबायोटिक वगैरह बहुत कुछ है, और रिसेंटली डॉक्टर ने कहा है लहसुन और प्याज के अंदर ज्यादा कुछ है, कोई रोज एक लहसुन खाएगा तो हार्ट डिजीज कभी नहीं होगा, क्या बात है इस तरह सुनने से क्या होगा इस तरह, और मेरा पास भी मेरा मोबाइल में बहुत सारे इस तरह मैसेज है, तुमको भी कभी करूंगा यूट्यूब में बहुत मिलते हैं प्याज और लहसुन का कितना गुण है अब भेजता हूँ तुमको, बस इस तरह संग मिलने से भक्ति जितना था भूल जाएगा, अभक्त संग नहीं कर भक्त संग अनुकूल और प्रतिकूल ये सबसे सरल ये है भक्ति शुरू करना, बस शुरू करने का आज जो चीज अच्छा हो करो और जो चीज अच्छा छोड़ दो और धीरे 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 और आगे बढ़ सकते, ये भक्ति का शरणागति का अच्छे अंग है, अंग आता अंग प्रत्यंग, एक शरीर में सर है दो हाथ है दो पैर है छाती है पेट है, इससे भक्ति का अच्छे अंग है शरंग शरणागति, शरंग शरणागति होइवे जाहा तारो प्रार्थना छोने सिरंदो कुमा, ये छे शरणागति क्या है छे दोइनो आत्म निवेदनो को ते बारो अवश्य शिवे कृष्ण विश्वासो पालो भक्ति अनुकूलमा
भक्ति प्रति कुलो भाव वचनंगी का सारंग शरणागति हईबे जा तारो प्रार्थना सुनि सुनंद कुमार। जिसकी शरणागति हो उसका प्रार्थना कृष्ण श्रवण। तो दो हुआ, भक्ति अनुकूल शिकार, भक्ति प्रतिकूल। बाकी चार क्या? दैनो दीनता, दीनता से भी भक्ति होगा। डॉक्टर के पास जाओगे ओम का निशा दवाई मांगोगे मिलेगा? शिक्षक के पास जाएंगे ओम का निशा उसने पूछेंगे ज्ञान मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान लाभ करने के पहले देखे थे क्या? श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और श्रद्धा का लक्षण क्या है? दीनता, ह्यूमिलिटी। जिस दीनता नहीं है तो कभी श्रद्धा के ज्ञान को प्राप्त नहीं। ज्ञान करने का पहला योग्यता है उनका सर झुकाना। शिक्षक के पश्चात अहंकार के साथ ज्ञान आया कभी है? विद्या ददाति विनयम्। और जिसको विद्या होता है वो भी विनम्र होता है। जिस तरह जो पेड़ में फल होते हैं पाक जाता है वह झुक जाता है, तो इसी तरह जिसको ज्ञान लाभ होता है वो शॉर्ट गिरता है, दीनता आता है, शॉर्ट झुकान देता है। दैनो ह्यूमिलिटी, दैनो। दूसरा क्या? आत्मनिवेदन। तीसरा है गोपतृत्य वरण। कृष्ण हमारे पालक, हमारे प्रभु है, हमको रक्षा कर स्वीकार कर। और चौथा है अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालक, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। तो जो भक्ति करना चाहते हैं हमारे भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे ये लक्षण लेके पता चलते हैं। कोई वस्तु का लक्षण होता है, ये चश्मा की नहीं है इसका लक्षण है, ये चश्मा को मोबाइल को, उसी तरह भक्ति का लक्षण छह है। जिसको दैनता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, वो भक्त नहीं है। दूसरा क्या? आत्मनिवेदन, खुद को निवेदन किया नहीं है, खुद का स्वतंत्रता है, वो भक्त नहीं कर सकता। तीसरा भगवान को प्रभु रूप में स्वीकार, भगवान ने हमारे प्रभु, उन्होंने हमको खिलाते पिलाते सबको सुरक्षा देते हैं। चौथा है भगवान हमको रक्षा करेंगे। पांचवा भक्ति का अनुकूल ग्रहण कर, छठा है भक्ति का प्रतिकूल त्याग कर। ये यदि करेंगे तो उनका भक्ति में जो प्रार्थना कर भगवान के पास, भगवान सब कुछ उनको देगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज सिखाने के लिए आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सत शिवधाम सह अवत, ये चीज शिक्षा देने के लिए चैतन्य बाबा आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सत शिवधाम सह अवत। क्या शिक्षा दिया, क्या देने के लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारे दान शिखाए सुना गति भगते रो प्राण। भक्त का जो प्राण है शरणागति, ये महापुरुष शिक्षा देने के। तभी जिन्हें हम भक्ति करना चाहते हैं कि भक्ति का जो प्राण है शरणागति, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। और इस शरणागत नहीं होगा तो हरि नाम नहीं कर सकते। हरि नाम कौन कर सकते? निरंतर जिसका अंदर दीनता है। शास्त्र में कहता है अहंकार और हरि नाम एक साथ नहीं, ये क्या दानी पाला है,
एक भारी होगा तो है तो अहंकार और हरिनाम दोनों एक साथ नहीं होते। अहंकार ज्यादा होगा तो हरिनाम हल्का और हरिनाम हल्का, यदि अहंकार हल्का नहीं तो हरिनाम भारी हो जाए। तो अच्छा अच्छा हरिनाम कर सकते करने क्या करना चाहिए? अहंकार इसका अर्थ क्या है? दीनता। यदि हम निरंतर हरिनाम करना चाहते हैं तो उनके लिए विनम्र होना चाहिए। उल्टा करके बोलेंगे, यदि निरंतर हरिनाम करेंगे तो ऑटोमेटिक दीनता आ जाएगी। इसीलिए हमें निरंतर हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है।